नगर दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पहाड़ी, गुज्जर और सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने अमित शाह से मुलाकात की। पहाड़ी समुदाय के नेताओं ने आरक्षण देने के लिए धन्यवाद दिया। जी, ये पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है, ये आज चेयरमैन की क्यादत में जनाब अमित शाह साहब से मिलेगी और इनने पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा काम किया है एसटी देकर। आज हम उस एहसान के बदले इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। पहाड़ी कौम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, खासकर बीजेपी के और रविंदर रैना जी के, अपने मोदी साहब के, होम मिनिस्टर साहब के। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी के बगैर, जिस तरह के कहा जाता था गुजर भाइयों का हिस्सा उसमें से काटा जाएगा, कुछ नहीं काटा। हमें अपना हक मिला, जो हम हिंदुस्तान के बाशिंदे थे, जो हमारा राइट था, वो पहाड़ियों को देकर हमारी नस्लें तक इन्होंने आबाद की और आज हम भी इनके साथ निशाना बिशाना खड़े हैं और वफा का बदला वफा करके ही रहेंगे। सब हैं एसटी वाले। अच्छा, हम अपना एसटी का मुद्दा ही रखेंगे। अच्छा, वैसे तो हमारा वो बोल रहे हैं 10% जो हमारा था वो नहीं कटा, पहाड़ियों को जो मिला तो उनका अपना हक मिला। तो अब देखते हैं, कई काम है हमारे, कई मुद्दे हैं जो हम बात कर रही है। तो हम आज यहाँ पहुँचे, अपने जितने भी हमारे पास मुतालबे हैं तो उनके लिए, हम उनको पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे ताकि हम भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें प्रॉपर्ली। हम सबसे पहले अमित शाह जी का थैंक्स करते हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छे, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जैसे आनंद मैरिज एक्ट उन्होंने पास करवाया है और जो कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया उसके करतारपुर कॉरिडोर, उनके लिए बाल दिवस जो एंटायर इंडिया में मनाया जा रहा है, बाल दिवस पर हॉलीडेज वगैरह, और भी इसके अलावा भी हमारे और भी मुतालबे।